अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरानी कायदे में तशरीक का सबक चल रहा है, उसकी कुछ मिसालें बाकी है तो हम उसको बोर्ड पे पढ़ेंगे। तशदीद को पहले समझते हैं, इसको रिपीट करता हूँ मैं। तशदीद एक सुकून और एक हरकत से मिलकर तशदीद बनती है। एक सुकून और एक हरकत मिलकर तशदीद बनती है। तशदीद वाले हरफ में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी जब भी तशदीद वाले हरफ को पढ़ेंगे तो सख्ती के साथ पढ़ेंगे। जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद। और मुशद्दद हरफ को दो मर्तबा पढ़ा जाता है। तो उसकी मिसालें हम बोर्ड पे देखते हैं। लाम के ऊपर जबर है ल, दाल के ऊपर जबर द, ल द। अब यहां पर या के ऊपर तशदीद आई, या के ऊपर तशदीद, तो तशदीद वाले हरफ को दो मर्तबा पढ़ना है, एक मर्तबा आगे वाले से मिला के। तो अब क्या पढ़ेंगे? लदई, लदई। और या के ऊपर जबर तो य, लदई य, लदई य। अ और आगे वाव मुशद्दद, तो अ को वाव से मिलाएंगे औ, और वाव के ऊपर जबर अव, अव। लाम के ऊपर पेश लू, अव्वलु, अव्वलु। वाव मुशद्दद है, दो मर्तबा पढ़ेंगे अव्वलु। वाव मुशद्दद, तो पहले आधा वाव को कॉफ से मिला के पढ़ेंगे कु, और वाव के ऊपर जबर उव, उव। और ता के ऊपर पेश उव्वतु, उव्वतु। काफ को वाव से मिलाएंगे कु, और वाव के ऊपर जेर वी, कु वी, कु वी। यहां ता साकिन है, साकिन हरफ को उसके पहले वाले हरफ से मिलाते हैं, तो रो को ता से मिलाएंगे रोत, कु वी रोत, कु। फा के ऊपर जबर फ, अलिफ के ऊपर जबर अ, फ अ। अब यहां पर सौद के ऊपर तशदीद है, तो तशदीद वाले हरफ को दो मरतबा पढ़ेंगे, तो अ को सौ से मिलाएंगे अस, अस, फ अस, फ अस। और सौद के ऊपर जबर सौ, फ अस सौ, फ अस सौ, फ अस सौ। दाल के ऊपर तशदीद, दाल के ऊपर तशदीद, तो अब इसमें आधी दाल है यानी दाल साकिन, तो उस दाल साकिन को सौद से मिलाएंगे तो सौद, फ अस सौद, फ अस सौद। और दाल के ऊपर जबर द, फ अस सौद द, फ अस सौद द, फ अस सौद द। कॉफ के ऊपर जबर, तो क्या पढ़ेंगे? को, फ अस सौद। यहां पर दोनों पर तशदीद है, ध्यान से पढ़ना, उसको समझ के पढ़ना, फ अस सौद, फ अस सौद। मीम को दाल से मिलाएंगे, क्यों? इसलिए कि तशदीद वाले हरफ को दो मर्तबा पढ़ते हैं, तो पहला हरफ उसमें कौन सा होता है? साकिन, तो मुद, और दाल के नीचे जेर, अरे दाल के ऊपर जबर, तो मुद, मुद। अब यहां पर भी सा के ऊपर तशदीद है, तो ये द को सा से मिलाएंगे दस, मुद्दत, मुद्दत। और सा के नीचे जेर सी, मुद्दत सी, मुद्दत सी। रो के ऊपर पेश रू, मुद्दत सी रू, मुद्दत सी रू। या के ऊपर जबर और ता के ऊपर जबर य, वाव के ऊपर जबर य त व। और लाम के ऊपर तशदीद है, तो इसमें दो हरफ है, एक साकिन है लाम और एक हरकत वाली, तो पहले वाव से लाम को मिलाएंगे वल, य त वल। और लाम के ऊपर जबर, तो क्या पढ़ेंगे? य त वल, य त वल। बस ये हमारा तशदीद का सबक यहाँ पर पूरा हो गया। अब तशदीद के सबक की बराबर मश्क करके उसको अच्छे से याद कर लेना। किताब में हमारा कलमा तमजीद चल रहा है और उसका आधा तर्जमा हो गया है,
तो बाकी का तर्जमा आज हम पढ़ लेते हैं। पहले कलमा पढ़ लेता हूँ मैं, उसको सुनो। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। ترجمہ: اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। यहाँ तक हमारा तर्जमा हो गया था, अब आगे का तर्जमा बाकी है, उसको आज हम पढ़ लेते हैं। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। तो ये हमारा कलमे तमजीद का तर्जमा भी पूरा हो गया, तो उसको अच्छे से याद कर लेना, पूरा कलमा और तर्जमा दोनों पूरा याद करके सुना देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।